कैन वी स्टडी फॉर 15 आवर डेली विथ कंसंट्रेशन? क्या वास्तव में ये पॉसिबल है कि हर दिन 15 घंटे उसी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ा जा सकता है? क्या हर दिन एकाग्रता के साथ 15 घंटा पढ़ा जा सकता है? तो इसका ओरिजिनल आंसर 95% होगा नहीं, पर यह पॉसिबल इस कहानी के जरिए। आप इस पूरी कहानी को सुनने के बाद हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, यहाँ तक कि स्टडी भी, जो हमेशा से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एक टफ और चैलेंजिंग काम रहा। वो कहानी है माइलो अक्रोटन, जिसको सुनने के बाद आपके लिए हर रोज 15 घंटा स्टडी करना मुश्किल काम नहीं होगा। क्रोटन साउथ इटली का एक छोटा शहर है जो प्राचीन काल में कभी यूनानी कॉलोनी हुआ करता था। माइलो क्रोटन एक फेमस रेसलर था जिसने लगातार 6 बार ओलंपिक का खिताब अपने नाम किया। माइलो ने 32 रेसलिंग प्रतियोगिताओं सहित कई अन्य प्रेस्टिजियस एथलेटिक खिताब भी जीते, और इसके अलावा उसने अपने होम टाउन क्रोटन के लिए एक महत्वपूर्ण मिलिट्री जीत भी हासिल की। माइलो ने अपने मस्कुलर पावर को इम्प्रूव करने का बहुत ही अनोखा आइडिया निकाला, और उन्होंने एक छोटे से बछड़े को अपने कंधे पर उठाने का फैसला किया, और उसने यह काम हर दिन 4 साल तक लगातार करता गया। लोग उसकी बहुत मजाक उड़ाया करते थे, और वो छोटा बछड़ा एक बड़ा और शक्तिशाली बैल बन गया, और उसके साथ ही माइलो भी मजबूत से मजबूत होता गया। क्या कमाल का आइडिया था! हर दिन माइलो सुबह उठ करके उस बछड़े को अपने कंधे पर उठाता और शहर के चारों तरफ चक्कर लगाता। 4 साल के लिए कंटिन्यूस मेहनत के बाद माइलो ने उस बड़े और शक्तिशाली बैल को बड़ी आसानी से उठा करके शहर के चारों तरफ घूमने लगा था। तब तक 99% लोगों ने उसका मजाक उड़ाना और हंसना बंद कर दिया था, जब लोगों ने माइलो के मस्कुलर ताकत को बढ़ता हुआ देखा। और जो लोग उस पर हंस रहे थे, जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनमें से हर कोई उस बैल को उठाने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ, और ये लोग अपनी ताकत को बढ़ाने में भी सफल नहीं हुए। क्या आप बता सकते हैं कि माइलो की ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट का मुख्य रीजन क्या था? एक कहावत है, एवरेज स्पीड कैन टेक यू फॉर इफ यू कीप वॉकिंग, एंड वी शुड लर्न दीज 4 core principles फ्रॉम द माइलो ट्रेनिंग। नंबर 1, स्टार्ट टू लाइट, डू नॉट मिस वर्कआउट ऑफ प्रैक्टिस। नंबर 3, इंक्रीज इन अ टेनी वे। एंड नंबर 4, वी शुड वॉक स्लोली, ग्रेजुअली एंड रीजनेबली। इसी तरह अगर 15 घंटे की पढ़ाई हर दिन आप करना चाहते हैं, तो अभी से कम घंटे की पढ़ाई के साथ शुरुआत करें, एटलीस्ट 15 मिनट, फिर अपना समय बढ़ाएं, और जब आपको लगे कि आप इस समय के साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं, तब आप स्टडी के समय को बढ़ाते रहें। इस तरह से आप अपनी स्टडी को दिन में 15 घंटे तक बढ़ा देंगे, या उससे भी अधिक हो सकता है। आप अन्य लोगों की तरह मत बनो जो एक बड़े बैल को उठाने की कोशिश करें, यानी अचानक 15 घंटे पढ़ने की और सफलता नहीं मिलती। आप माइलो की तरह बनिए और अपने स्टडी आर्ट्स को इम्प्रूव करिए। इसलिए आपके समय को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, यह न केवल टाइम इम्प्रूव करेगा बल्कि आपको सहज भी बनाएगा, और आप अपनी बुक्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं बजाय इसके कि आप घंटों तक किताबों पर देखते रहें। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच।